तो देखिए ये 22वां सवाल आप देखेंगे, 22वां सवाल में ये कह रहा है 200 ml 0.1 एनविडिया। 22वां सवाल में आयतन V1 दे रखा है कितना, 200 ml, और इसकी N1 दे रखी है 0.1 N। में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलिटी अर्थात N2 0.04 हो जाए, अर्थात N2 कितनी हो जाए, 0.04। तो V2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो कह रहा है कितना जल मिलाया जाए, तो कितना जल मिलाया जाए उसके लिए आपको सबसे पहले V2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले वही समीकरण लगा दीजिए, N1V1 बराबर N2V2, इस हिसाब से V2 बराबर हो जाएगा N1V1 अपॉन N2। अब रखिए इसकी वैल्यू, N1 कितना है 0.1 इंटू, V1 कितना है, V1 है 200 ml अपॉन N2 कितना है 0.04। अब इससे आप जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये ऊपर की वैल्यू 20 आ जाएगी और नीचे की है कितनी 0.04। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 20 में आप भाग कर लीजिए कितने का, 0.04 का, तो जब हम करेंगे तो ये आ गया 500 बराबर 500 ml। तो ध्यान करना ये V2 आया है कितना, 500 ml। तो मिलाया गया जो जल है, मिलाया गया जल बराबर V2 माइनस V1, V2 कितना है 500 और V1 कितना है 200, तो मिलाया गया जो जल है वो 300 ml आ जाएगा। कितना आया, 300 ml जल मिलाया गया। एक बार फिर सुन लीजिए, ये N1V1 बराबर N2V2 है, इससे पहले भी हमने V2 निकाल लिया ये वैल्यू रख के, और जब V2 आ गया, V2 कितना आया 500 ml, तो V1 कितना था 200, तो मिलाया गया जो जल होगा वो V2 माइनस V1, अर्थात जो बाद में V2 आया है उसमें से आप पहले वाले आयतन को हटा दीजिए, तो 300 ml आपका जल मिलाया गया। इसके बाद आप देखिए 23वां सवाल, 23वें सवाल में ये कह रहा है 0.1 NH2SO4 की दो बूंद जिसका आयतन 0.1 ml है, 1 लीटर जल में विलेय की गई, विलयन की नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह, इसी पे आधारित सवाल है, तो आप तो निकालेंगे इसको। यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, 23वां सवाल H2SO4 की, 23वां सवाल H2SO4 की N बराबर कितनी दे रखी है 0.1 N, और इसका आयतन दे रखा है, का आयतन दो बूंद है तो दो बूंद का आयतन दे रखा है, V कितना है 0.1 ml, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर जल में विलेय की गई, यानी अब यहां इसका V2 कितना आ गया 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो इस विलयन की नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए अर्थात N2 निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इनमें वही N1V1 बराबर N2V2, इस हिसाब से जब N2 निकालेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा N1V1 अपॉन V2। रख दीजिए इनकी वैल्यू, N1 कितना है 0.1, V1 कितना है 0.1, V2 कितना है 1000 ml, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें 1000 का भाग करेंगे जब 0.1 × 0.1, तो 0.1 × 0.1 आ जाएगा 0.01, और इसमें कितने का भाग किया 1000 का, तो इसको कैलकुलेट कर देख लीजिए
ये आ जाएगा आपका, ये बराबर 0.01 जो आया है, इस 0.01 में भाग करिए कितना, 1000। 0.00001 ये N2 बराबर आ गया, इतना भाग 0.00, कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 0.00001 N, ये आपका सवाल आ गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस दशमलव को 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 1×10^5 स्थान किया है तो -5 N, या केवल 10^-5। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ दशमलव है, 1, 2, 3, 4, 5 स्थान हुआ, 1×10^-5 या 10^-5 N, ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। 23वें सवाल, 24वां सवाल आप देखेंगे। 24वें सवाल में ये कह रहा है, देखिए ये मोल प्रभाज के हैं कई सवाल, ये कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आइए, ये मोल प्रभाज का बिल्कुल अलग सवाल है, आप इनको करेंगे इस तरीके से। चौबीसवां सवाल, 6 ग्राम यूरिया, यूरिया की मात्रा स्मॉल w बराबर 6 ग्राम और जल की मात्रा बराबर कितनी है, 90 ग्राम घोला गया, तो यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोलर प्रभाज यानी ची, ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि किसी भी पदार्थ का जो विलेय हो या विलायक हो, यूरिया यहाँ पर विलेय है, तो यूरिया का मोल प्रभाज हो जाएगा यूरिया के मोल्स की संख्या बटे यूरिया के मोल्स की संख्या प्लस जल के मोल्स की संख्या। मान लीजिए यूरिया के मोल्स की संख्या स्मॉल n है, तो यूरिया का जो ची हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा यूरिया के मोल्स की संख्या बटे संपूर्ण मोल्स की संख्या। संपूर्ण मोल्स में क्या आ जाएगा, यूरिया के मोल्स की संख्या प्लस जल के मोल्स की संख्या। तो यूरिया के मोल्स की संख्या स्मॉल n है और जल के मोल्स की संख्या कैपिटल n है। अब आप इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप जल के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके यूरिया के, तो यूरिया के मोल हो जाएंगे यूरिया की ग्रामों में मात्रा बटे यूरिया का अणुभार। यूरिया की ग्रामों में मात्रा कितनी है, 6, और यूरिया का अणुभार होता है 60, यानी 1/10। 1/10 का मतलब है 0.1 मोल। अब जल के मोल्स की संख्या, जल के मोल्स की संख्या कैपिटल N बराबर उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। उसकी ग्रामों में मात्रा कितनी है, 90, और जल का अणुभार होता है 18, तो ये हो जाएगा 5 मोल। तो यूरिया के मोल्स की संख्या 0.1 मोल और जल के मोल्स की संख्या कितनी हो गई, 5 मोल। तो यहाँ पर रख दीजिए उनको, तो ये हो जाएगा यूरिया के मोल्स की संख्या 0.1/0.1+5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1/5.1। अब दशमलव से दशमलव काट दीजिए और ये आ जाएगा 1/51। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब 1 में आप भाग देंगे 51 का तो वो आ जाएगा 0.0196। ये आ गया 0.0196, ये ची आया यूरिया के मोल्स की संख्या। इस तरीके से 0.0196 ये आपका सवाल हो गया। अब देखिए ये 26वां नहीं था, 24वां सवाल था।
24 है। अब आप 25वें सवाल पर आएंगे। 25वें सवाल में कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथेनॉल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभास ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें केवल यूरिया का पूछा था, तो अगले सवाल में दोनों कंपोनेंट का पूछता है। देखिए आप इसको देख लेना, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। सवाल है 72 ग्राम जल, 25 जल की मात्रा बराबर 72 ग्राम, 92 ग्राम एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH इथाइल अल्कोहल को कहते हैं, इथाइल अल्कोहल की मात्रा बराबर 92 ग्राम, एथेनॉल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभास ज्ञात करिए, यानी जल का भी ची निकालना है आपने और C2H5OH का ची निकालना है आपने दोनों का। तो देखिए जल का मोल प्रभास निकालने के लिए आप जल के मोल्स की संख्या बटे जल के मोल्स की संख्या प्लस एथेनॉल के मोल्स की संख्या, इसके लिए इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभास बराबर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या कैपिटल एन अपॉन जल के मोल्स की संख्या प्लस इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या। तो यहाँ पर मैं माना जल के मोल्स की संख्या स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन यहाँ पर निकालना है, स्मॉल एन जल के मोल्स की संख्या ये बराबर हो जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा कितनी है 72 बटे अणुभार कितना होता है जल का 18, तो ये आ जाएगा 18 × 72, 4 मोल किसके हुए जल के। अब इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या कैपिटल एन बराबर हो जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा कितनी है 92 ग्राम बटे इथाइल अल्कोहल का अणुभार होता है 46। कैसे देखिए इसको जोड़कर C2H6O, तो 12 × 24 प्लस 6 प्लस 16 46 बटे 46, तो 46 × 92 यानी ये हो गया 2 मोल। अब जल के जल का मोल प्रभास यानी जल का ची बराबर हो जाएगा जल के मोल्स की संख्या बटे जल के मोल्स की संख्या अपॉन प्लस एथेनॉल के मोल्स की संख्या, इनको आप कर लीजिए। जल के मोल्स की संख्या कितनी है 4 अपॉन 4 प्लस 2, तो इनको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/6, तो जितना भी आता है वो आ गया आपका जल का मूल प्रभास। तो 4 में आप भाग कर दीजिए 6 का, ये आ जाएगा 0.666, ये ची किसका आया जल के मोल्स की संख्या, या इसको 0.667 इतना ची कर सकते हैं। अब आप आइए इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या मोल प्रभास C2H5OH का ची बराबर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या अपॉन जल के मोल्स की संख्या प्लस इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या। इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या 2 है बटे जल के मोल्स की संख्या 4 प्लस इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या 2, तो ये हो जाएगा 2/6। इस तरीके से जब आप 2/6 का मतलब है इसको 3 से भाग कर दीजिए यानी 1/3 यानी 0.333 या बराबर हो जाएगा 0.33 इतने, या 3/4 कर सकते इतना किया है। इस तरीके से आपका ये 25वां सवाल भी निकल, तो एक बार दोहरा लेंगे आप अच्छी तरीके से, जल के मोल्स की संख्या निकाल लेंगे जल की मात्रा में उसका अणुभार का भाग देकर,
और इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या निकाल लेंगे उसके द्रव्यमान में उसका अनुभाग का भाग देकर, ये दोनों निकल गया है, दोनों को इस तरीके से रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप आइए 26वां सवाल। 26वें सवाल में कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के 20% W/W विलयन में इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल इसी तरह का है। सबसे पहले आपको ये 20% W/W इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। W/W का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में इथाइल एथिलीन ग्लाइकोल के 20 ग्राम रुपए हुए, तो इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी होगी, 20 ग्राम, और बाकी क्या हुआ उसमें, जल। जल कितना हुआ, 100 में से 20 निकाल दीजिए तो 80 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, कैसे एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और समझिए फिर आप इस सवाल को। देखिए ये 26वां सवाल है। 26वें सवाल में ये कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल सूत्र होता है CH2OH और CH2OH, या जोड़कर हम C2H6O2। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार निकाल, इसका 20% विलयन है, तो सबसे पहले आप इस 20% का अर्थ समझिए क्या होता है। इसका मतलब है 20% W/W है, ध्यान करना, W/W यानी 100 ग्राम जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के कितने हैं, 20 ग्राम। तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे हम, एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा स्मॉल W कितनी हुई, 20 ग्राम। तो जल की मात्रा कितनी हुई, वो हो गई 80 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार, एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार बराबर कितना होगा, जोड़ लीजिए 12 × 24 प्लस 6 प्लस 16 × 32, 24 और 36 और 32 62 हो गया। अब निकाल लीजिए एथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, एथिलीन ग्लाइकोल का ची बराबर हो जाएगा कितना, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स की संख्या बटे एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स की संख्या प्लस जल के मोल्स की संख्या, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले स्मॉल n निकाल लीजिए, स्मॉल n क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स की संख्या, वो हो जाएगी उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार m डैश। ग्रामों में मात्रा कितनी है उसकी, 20 ग्राम, और अणुभार कितना है, 62। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 0.322, ये बराबर 0.322, ये क्या आई, मोल किसके, एथिलीन ग्लाइकोल। अब निकालिए जल के, जल के मोल्स की संख्या कैपिटल एम, उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। तो जल के ग्रामों में मात्रा कितनी है, 80, और जल का अणुभार 18। तो 18 × 72 × 18 = 80, तो कितने हो गए, 5 मोल। अब इन दोनों वैल्यूओं को आप इसमें रख दीजिए, ये स्मॉल n कितना है, 0.322 / 0.322 + 5। अब इसको कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.322 / 5.32। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 322/5322। अब आप 322 में भाग कर दीजिए 5322 का, जो आपकी वैल्यू आएगी 0.0605। तो ये आ गया आपका 0.0
6.05 इतना क्या आया जी, किसका आया, एथिलीन ग्लाइकोल का। अब यदि दूसरे का निकालना है, दूसरा क्या है विलायक यानी जल, तो उसको वन में से घटा देंगे क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी विलयन के लिए जो विलेय का ची और विलायक का ची होता है इन दोनों का योग वन होता है, एक होता है, तो उस एक में से यदि इसको घटा देंगे तो दूसरे कंपोनेंट का ची निकल जाएगा। तो आप इससे आगे का सवाल और देख लीजिए, ये 27वां सवाल है। ये कह रहा है यूरिया के जलीय विलयन में 60% यूरिया है, तो यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। 60% यूरिया है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60% का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है कि जो यूरिया का 100 ग्राम जलीय विलयन है उसमें शुद्ध यूरिया 60 ग्राम है। जब यूरिया 60 ग्राम है तो बाकी क्या बचा, जल यानी विलायक, और वो कितना हुआ, वो 100 में से आप 60 को घटा दीजिए वो हो गया 40 ग्राम। तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। तो फिर समझिए इसको एक बार, इस 27वें सवाल को भी ये कह रहा है यूरिया के जलीय विलयन में 60% यूरिया, 60% यूरिया का W/W विलयन, यूरिया का मोल प्रभाज यानी ची ये निकालना है। तो सबसे पहले आप इस ऊपर वाली लाइन 60% W/W यूरिया के जलीय विलयन का क्या अर्थ है ये समझिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आगे को नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है कि यूरिया का जो जलीय विलयन है 100 ग्राम उसमें शुद्ध यूरिया 60 ग्राम मिला हुआ है। इसका मतलब उस विलयन में यूरिया की मात्रा स्मॉल W कितनी हुई, 60 ग्राम। तो शेष जल की मात्रा बराबर हो गई 100-60 यानी 40 ग्राम। ठीक है, अब आप इसका मोल प्रभाज निकाल लीजिए। यूरिया का ची बराबर होगा यूरिया के मोल्स की संख्या अपॉन यूरिया के मोल्स की संख्या प्लस दूसरा कंपोनेंट जो जल है उसके मोल्स की संख्या कैपिटल एम। अब आप स्मॉल एम यूरिया के मोल्स की संख्या, यूरिया की ग्रामों में मात्रा बची ग्रामों में मात्रा 7 और अणुवार भी यूरिया का 7 होता है, तो इसका ये आ गया 1 मोल स्मॉल एम। अब आप कैपिटल एम निकाल लीजिए, कैपिटल एम उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। ग्रामों में मात्रा जल की कितनी है, 40, बटे अणुभार कितना है, 18। तो 18 का भाग कर लीजिए 40 में, तो ये एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी आपकी। 40 में भाग किया कितने का, 18 का, ये आ जाएगा 2.22 मोल। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें रख लीजिए आप, तो ये आ गया आपका स्मॉल एन है 1/1+2.22 यानी 1/3.22। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक में हम भाग देंगे कितने का, 3.22 का, तो ये आ गया 0.31 ची आ गया, किसका, यूरिया का। पर यही वो पूछ रहा है, यदि वो यहाँ पर भी जल का पूछने लगे कि जल का मोल प्रभाज क्या है, तो ये जल का मोल प्रभाज यानी ची बराबर हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है, 2.22 अपॉन 1+2.22 यानी 2.22 अपॉन ये दोनों जुड़कर 3.22। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ये आ जाएगा 222/300
बाईस, ये बराबर आ जाएगा 0.689 बराबर 0.689, ये ची आ गया। अब आप देख लीजिए इन दोनों का जो योग है वो कितना बैठता है, वो एक ही बैठता है, तो दोनों का ची निकाल लेंगे इस तरीके से।